सुल्तानपुर नगर कोतवाली में वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस महकमे के सामने वकीलों का हल्ला बोल, सिपाही ने की वकील से अभद्रता, अब वकीलों ने इंसाफ के लिए खोला मोर्चा। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली सुल्तानपुर का, जहां वकीलों ने नगर कोतवाली का उस वक्त घेराव किया जब वकील हिमांशु कुमार ने एक सिपाही पर अभद्रता करने और कुछ पैसे मांगने का इल्जाम लगाया। हिमांशु कुमार के इल्जाम के बाद कोतवाली में वकीलों का बटोर हुआ और सिपाही को सस्पेंड करने की मांग पर वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ पे आते हैं तो बेइज्जत होते हैं। आज मैं भी आया और मैं एक क्लाइंट के साथ आता हूँ और उसको बुलाया जाता है बथड्डा चौकी इंचार्ज के द्वारा। चौकी इंचार्ज नहीं रहते, कहीं गए रहते हैं। मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुंशी हैं संजय, मैं उनके पास पूछता हूँ साहब है कि नहीं है। साहब कहते हैं कि साहब नहीं है, अभी कहीं गए हैं, आप बैठिए। तो या मैं वापस आने लगता हूँ, यहाँ पे एक शुभम यादव नामक जो कि कभी यहाँ पे वर्दी में नहीं मिलता है, वह क्या है मैं यहाँ नहीं जानता हूँ। वही कंप्यूटर पे बैठता है, प्राइवेट है कि वह सिपाही है मैं यहाँ नहीं जानता हूँ। वह एक मुकदमा एक्सीडेंट का दर्ज होता है जिसमें मैं चार्जशीट के लिए आता हूँ कि पैरवी करने के लिए, और यह कहते हैं कि मुझे 25,000 रुपये दीजिएगा, मैं चार्जशीट लगवा दूंगा। मैं डायरेक्ट कोतवाल से कहता हूँ कि साहब किसी चीज़ की 25,000 रुपये? एक तो एक्सीडेंट का मामला है, उसमें क्या बेचारा पैसा देगा क्लाइंट, मैं उससे मांग भी ना पाऊंगा जिसके यहाँ कोई मौत हुई है। उसके बाद शुभम यादव कोतवाल साहब चार इनको बुला के पूछते हैं और उसके बाद वह मामला ख़त्म हो जाता है, कोतवाल साहब चले जाते हैं। आज मैं कोतवाली अपने क्लाइंट के काम से आता हूँ, मैं फालतू नहीं आता हूँ, यही सबको जलन है। मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे बुलाते हैं, वो भी जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे अंदर, कहे तुमको तो मैं बहुत दिन से खोज रहा था, तुम लोग वकीलों का घर हम लोग के वजह से चलता है और तुमको मैं अभी जेल भेजूंगा। और मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं, मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, इतनी भद्दी गालियाँ देते हैं कि मैं शोभा नहीं होता कि मैं कैमरे के सामने आज बोल पाऊँ। और वहाँ से मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अंदेशा होता है कि हो सकता है मेरे साथ जेल भेज दिया, तो मैं अपनी जान बचा के भागने का प्रयास कर, तब भी वह मेरे पीछे पीछे आते, मेरा हाथ पकड़ते रहते हैं, छुड़ा के भागता रहता। मैं जाता हूँ गेट तक जहाँ घंटाघर चौकी बनी हुई है, वहाँ तक, वहाँ भी मेरा हाथ पकड़ते हैं। फिर तब तक कोतवाल साहब की गाड़ी आ जाती है, वह देख के फिर वो इधर उधर भागते हैं। मैं कप्तान साहब को तुरंत फ़ोन किया, मैंने आईजी साहब को तुरंत फ़ोन किया, सीओ साहब आए भी, हमने कहा कैमरा खुलवा लिया जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। लेकिन कैमरा नहीं खुलवाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है देखा जाता है, वह चले गए। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जब तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा, जब तक वह सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, तब तक मैं हटूंगा नहीं। यह अभी मेरे सम्मान का बात है, कोई मेरे गिरीवान पे अगर हाथ लगाएगा तो फिर यह सम्मान के विरुद्ध है। आगे जब तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिलहाल वकीलों का प्रदर्शन देख अपर पुलिस अधीक्षक अरुण चंद मौके पर पहुंचे और वकीलों से बातचीत की। सूत्रों की माने तो वकीलों की मांग पर सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद वकीलों ने धरना खत्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।